तो मध्य प्रदेश के रहने वाले पैरा स्विमर सतेंद्र ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अब सतेंद्र इंग्लिश चैनल पार करने का इरादा ठान बैठे हैं। इसके लिए वो तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके लिए उन्हें कोई भी सरकारी मदद नहीं मिली। अब खुद को प्रूफ करने के लिए सतेंद्र ने गुरुवार को मुंबई में समंदर में छलांग लगाई। सतेंद्र कोलाबा लाइट हाउस से लगातार 5 घंटे 43 मिनट तैरने के बाद शाम को करीब 7:05 पर 35 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद एलिफेंटा तक पहुंचे। सतेंद्र ने इसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई। इसके लिए उन्होंने इंडियन स्विमिंग एसोसिएशन से इजाजत भी ली थी। आपको बता दें कि सतेंद्र इंग्लिश चैनल पार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें अभी तक इजाजत नहीं दी गई है। अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए सतेंद्र समंदर में तैराकी कर रहे हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले सतेंद्र सिंह ने गुरुवार को मुंबई के समंदर में दोपहर 1:22 में छलांग लगाई और 5 घंटे तक तैराकी करने के बाद एलिफेंटा केव तक का सफर तय किया। सतेंद्र सिंह की हसरत है कि वो इंग्लिश चैनल पार करें और तैराकी में पैरा स्विमिंग में अब तक सतेंद्र सिंह को 19 राष्ट्रीय पदक और 4 अंतर्राष्ट्रीय पदक मिल चुके हैं। कैसे, कितना हौसला था, क्योंकि पानी को चीरना अपने आप में मुश्किल काम है, और 5 घंटे तक आपने तैराकी की, क्या कुछ आपने सोचा था और किस तरीके से इसको जो है आपने पूरा किया? इस अभियान का एक दो मुख्य उद्देश्य भी थे। एक था जो हमारे सरकार ने एक मुख्य रूप से चलाया रखा है, वो नाम है स्वच्छता भारत अभियान और सुगम्य भारत अभियान। स्वच्छता भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों में अवेयरनेस आए, जो गंदगी ना फेंके, समुद्र में भी एक स्वच्छ पानी रखें। दूसरा है सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे दिव्यांग जनों को इस अभियान की जानकारी मिले और उसका लाभ लेकर अपने स्किल को डेवलप कर भारत के निर्माण में भी दिव्यांग जनों का एक अहम योगदान और रोल होना चाहिए। मध्य प्रदेश के रहने वाले पैरा स्विमर सतेंद्र ने मुंबई में 35 किलोमीटर समंदर में तैराकी की, लेकिन अब तक उन्हें सरकार की ओर से मदद नहीं मिल सकी। वहीं सतेंद्र को लेकर खेल एवं युवा कल्याण विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर विनोद प्रधान का कहना है कि सतेंद्र अगर विभाग में आवेदन करते हैं तो विभाग उनकी मदद जरूर करेगा। मेरे को भी जो है पेपरों के माध्यम से मालूम पड़ा और मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मालूम पड़ा कि उसने जो है 35 किलोमीटर का समुद्र जो है तैर के पार किया है। तो यदि वो हमारे पास आता है तो सरकार उसके ऊपर विचार करेगी।